बुरहानपुर में वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से मनाया शिवाजी की जयंती। बुरहानपुर दानिश रजा खान। हम आपको बता दें कि वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी की प्रतिमा पर फूलों की माला और फूलों को शिवाजी के चरणों में पेश किया और वंचित बहुजन अघाड़ी के जिलाध्यक्ष निम्बाजी सुरोड़कर ने बताया कि हम आगे भी इसी तरह के काम करते रहेंगे और महापुरुषों की याद और उनके दी हुई कुर्बानियों को ताज़ा करते रहेंगे। इसी तरह सभी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर शिवजी के चरणों में माला और फूल पेश किए। समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष सीताराम लाशे जी ने बताया कि शिवाजी महाराज हम बहुजन के महापुरुष हैं और उनका जन्म दिवस मनाना हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए आज हम वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ मिलकर शिवाजी की जयंती मना रहे हैं। मैं सर्वप्रथम भारत के मूल निवासी बहुजन वासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ। आज बहुजनों के प्रतिपालक शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाई जा रही है। लेकर हम वंचित बहुजन अघाड़ी के तत्वाधान में ये जयंती मनाई जा रही है। हमारा यह माध्यम रहेगा कि इस वर्ष की तरह आने वाले समय में भी वंचित बहुजन अघाड़ी एवं सदैव बाबा साहब अम्बेडकर के आदेश पर पूरे मध्य प्रदेश में शिवाजी महाराज जयंती मनाई जाएगी। बताइए आप लोगों का यह जमा होने का आज उद्देश्य क्या है? कारण हम सारे संगठन के लोग, चाहे वो समता सिद्धि संघ हो, चाहे वो वंचित बहुजन अघाड़ी हो, सारे संगठन के लोग हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस अवसर पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं और हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। हमारे जो शिवाजी महाराज जो थे, ये मूल निवासी के अंतर्गत हमारे मूल निवासी राजा रहे हैं तथा तमाम अम्बेडकरी विचारधारा से संबंधित होने के कारण तथा अम्बेडकरी फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के नाते से हमें ये जयंती मनाना पड़ती है तथा हर साल इसी प्रकार हम कार्यक्रम करते रहते हैं और आने वाले समय में भी हम लोग इसी प्रकार का जयंतियों में भाग लेकर के कार्यक्रम हमारे संगठन करते रहेंगे। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम है सीताराम लाशे जी। आप क्या पद पर हैं? मैं अभी समता सिद्धि संघ के अध्यक्ष हूँ तथा हमारे जिलाध्यक्ष विमला रेड्डी भी है और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रदेश। BNC News के लिए दानिश रजा खान की रिपोर्ट।